यहाँ पे सबसे पहले मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ यहाँ आई थी। वाइफ के कुछ आंखों में धुंधला सा दिख रहा था, तो यहाँ सलाह दी डॉक्टरों ने कि फ्रीज बिहार जाइए। वहाँ पर उसके इंजेक्शन लगाए और वहाँ पर जाकर के हम तो देख कर आश्चर्यचकित रह गए। इतना सुंदर वातावरण, इतना बढ़िया। और यहाँ पर ऐसे ही सोच करके एक दिन मैं पार्क में था, पार्क में एक पर्चा मुझे मिला, उसमें साफ साइट लिखा हुआ था। तो वहाँ मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, ये वो किया, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत शुगर है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो समधी जी हमारे साथ थे, यहाँ आकर के डॉक्टर साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि इसमें हम कर लेते हैं, इतने ब्लड में ऑपरेशन सर्जरी कर लेते हैं। मैंने कहा फिर डॉक्टर साहब आप मुझे सर्जरी के लिए लिख दीजिए। लिखने के बाद उन्होंने लिखा और मैं प्रशांत जी के कमरे में आया। प्रशांत जी ने इतना अच्छे व्यवहार से, इतने अच्छे ढंग से जो है मेरे से बातचीत करी, और उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैंने कहा कि सर्जरी की डेट दे दिए, और उन्होंने मेरे अनुसार शनिवार का दिन 20 तारीख को जो है 20 जुलाई को निश्चित किया। और मैं अपने परिवार के कई लोगों के साथ सर्जरी के लिए वहां गया, प्रीत विहार गया। तो प्रीत विहार में सभी डॉक्टरों ने बड़े उचित ढंग से जो है वहां पर हुआ। वहां अंदर कमरे में बैठा थोड़ी देर के रुकने के बाद उन्होंने मेरी सर्जरी करी, और सर्जरी में जाने के बाद मुझे कोई जरा सा भी कष्ट महसूस नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने पूछा था कि क्या सुन का इंजेक्शन लगा दूं? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो सुन का इंजेक्शन नहीं लगाना है। तो बोले ऐसे ही कर दो। फिर जब उन्होंने किया तो मुझे आश्चर्य लगा, न कोई टांका न कोई ये सब। मेरे बाद में निकल लगे अपना हो गया जी आपका मोतियाबिंद का। मैं बीच में जाकर के जब देख रहा था तो बीच में उन्होंने कहा भाई अभी आधा ऑपरेशन हुआ है, लेंस डालना है। तो फिर उन्होंने लेंस डाला, लेंस डाल करके वहां से हम निकले। निकलने के बाद बैठे रहे थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने दूसरे दिन संडे को जो है बुलाया, और फिर हम संडे को वहां पे गए। वहां पे जाने के बाद उन्होंने ये अगली डेट सैटरडे की लिखी। आज मैं सैटरडे के दिन जो है यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर फिर प्रशांत जी से भी मुलाकात हो गई, और ये है बड़ा खुशी हुई। यहाँ पर हर प्रकार की सफाई वगैरह सब चीज ए टू जेड जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया कि ये हमारी सुविधा के लिए मजनपुरा के नजदीक जो है खजूरी रोड पे, ये रोड पे जो है पुष्पांजलि पूछते थे, ये बड़ा सुंदर वातावरण बना करके यहाँ पे साफ साइड बहुत अच्छा वो है इसमें। और जैसे प्रशांत जैसे मिस्टर प्रशांत जैसे जो है लोग हैं जो कि प्रेरित करते हैं कि भाई उचित ढंग से सही ढंग से व्यवहार, सबसे बड़ा आश्चर्यजनक मुझे उनके व्यवहार से लगा। उनका व्यवहार बहुत ही सौम्य व्यवहार है, बड़े सुलझे हुए विचारों के लोग हैं। ऐसे लोग समाज को प्रेरित करते हैं, और हमें आँख संबंधी दुविधा कुछ भी नहीं हुई। बड़ा सुंदर ढंग से हमारा ऑपरेशन हुआ, और ये भी मैंने ये दोबारा दिखाया तो कहते हैं सफल है, और बड़ा अच्छे ढंग से जो है ये सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद। आप सब लोगों से निवेदन है,
आप लोगों से ये सलाह, मेरी सलाह तो यही है कि आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में ध्यान क्यों देखा रहा आंखों में निदान, यही है आंखों का उपचार कराइए, आंखों का निदान कराइए और ऐसे ढंग से जो है ये सब हजार नियामत हैं ये आंखें, आओ करें इनका उपचार, आइए और यहाँ जैसे परेशानी करवाइए, आप लोगों से मिलिए और साफ साइड में आकर के अपनी आंखें दिखवाइए और आंखों के उपचार के लिए ये बहुत ही अच्छा वो है संबंध है इसके, बहुत ही अच्छे कंपनी है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा वातावरण है।